बिहार भर के सभी नगर निकाय सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसका ऐलान बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा और बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ द्वारा किया गया। बताते चलें कि अपनी 12 सूत्री मांगों में शामिल सफाई मजदूरों के खाली पदों की जल्द बहाली, सफाई मजदूरों को कभी भी सरकारी नौकरी नहीं देने के निर्णय का भी विरोध किया है। इसी कड़ी में डुमराव में सफाई कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर नगर परिषद की नीतियों के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद की। कर्मचारियों की मांग है कि जिन दैनिक कर्मियों की सेवा 10 साल या उससे अधिक हो गई है उन्हें नियमित किया जाए। कि हमने के 2002 से लेके 2021 तक हमने के न्यूनतम मजदूरी लेके मिलत और 56 से लेके 302 रुपया, अच्छा 304 रुपया मिल रहा बा। अब रौरे सब बताएं कि 304 रुपया पर हम अपन परिवार चलाई कि लैकन के पढ़ाई लिखाई करब। हमार मजदूरी कम से कम प्रति माह 18,000 रुपये मिलना चाहिए। क्या लगा था सरकार सुनी? सरकार सुनी जरूर सुनी, ना सुनी तो हमने कही जा अपन अपन इधर रह जा। क्या नाम है तहार? क्या नाम है? क्या नाम है तहार? हमार सरोज राम नाम। कर्मचारियों का आरोप है कि 2002 से लेकर 2021 तक उन्हें अब तक उचित मानदेय नहीं मिला है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक तंगी जैसे संकट से जूझना पड़ रहा है। कम वेतन होने के कारण उन्हें अपना परिवार चलाने में भी काफी परेशानी होती है। मांग सर 18,000 रुपया वेतन। एकरा पहले हड़ताल भइल रहे? एकरा पहले हड़ताल भइल रहे, यही के चलते हमनी के समय पे वेतन नहीं के मिला और जो हमनी के मजदूरी रेट मिला था उससे हमनी के आधे मिले। आधा पेट में हमनी के कोई चीज भर परिस्थिति जरूरत नहीं थे, आई लोग काम करवा दम भर, यही के चलते हड़ताल हमनी के सभी जिला में हो रहा था। गौरतलब है कि अपनी मांगों के समर्थन में नगर परिषद के सफाई कर्मचारी इससे पहले भी धरना और प्रदर्शन जैसे कार्यों से नगर परिषद के आला अधिकारियों का अपना ध्यान आकर्षित कर चुके हैं, बावजूद इसके अब तक इनकी मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय की रिपोर्ट।